IVM. Hey everybody, welcome to another week on the IVM Podcast Network. I'd like to thank our sponsors, Paytm Money Upfront. We're still in lockdown and we're trying our best to make our releases work, but we are occasionally getting a little late or slipping on some episodes. Hope that you guys continue to remain patient with us. Check out our social media accounts. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We're doing something over there called the IVM Smart Guide. A bunch of our hosts are talking about things to do during the lockdown, books, movies, podcasts, etc. Check it out. I'm sure you'll enjoy it. And let's get you onto your show right now. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय, सब लोगों की तरह हालत खराब है। हाँ, हालत बहुत ही खराब है। तो ठीक है, फिर भी ये पुलियाबाजी तो बनती है खराब हालत में भी। हाँ हाँ, मतलब वार्तालाप चलते रहने चाहिए। हाँ, तो वार्तालाप भी इसी थोड़े एक रेलेवेंट टॉपिक पर करना चाहिए कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि भारत जो है, भारत सरकार, उसकी पॉलिसी बहुत जबरदस्त होती है, पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन, वही गड़बड़ा जाता है। आपने कई बार ये सुना होगा, लोग ये कहते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बॉस क्या फंडू आइडिया था। लेकिन ये और अक्सर कार्यान्वयन के अलावा पॉलिसी इतनी अच्छी थी, लोग गधे है, उनको हाँ। नहीं आता वो पॉलिसी को यूज करना। लोग गधे, या फिर हाँ ब्यूरोक्रेसी ने प्रॉब्लम कर दिया बस, नहीं तो पॉलिसी तो जबरदस्त थी। तो ये कहीं तो कहीं किसी लोक से पॉलिसी आती है जो कि नीचे आते आते वो पता नहीं कैसे वो एसिड रेन में तब्दील हो जाती है। ऊपर से तो एकदम प्योर वाटर निकलता है ऊपर के बादलों से। वाह वाह, क्या मेटाफर ढूंढा है आपने। हाँ वैसे ही है। तो इसका अर्थ ये कि हमारी जो स्टेट कैपेसिटी है, मतलब हमारे जो राज्य की क्षमता है कुछ भी करने की, उसमें कुछ खामियां होंगी, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रास्ते में प्रदूषण है ना, जहाँ एसिड बन रहा है। हाँ हाँ, तो इसी प्रदूषण को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इसमें। और ये राज्य क्षमता, जो स्टेट कैपेसिटी, ये बहुत बड़ा विषय है पब्लिक पॉलिसी में, तो इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं आज। बढ़िया, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हमारे साथ है प्रखर मिश्रा। प्रखर सीनियर एसोसिएट है IDFC इंस्टीट्यूट में, पब्लिक पॉलिसी पे रिसर्च करते हैं, और आप और मेरी तरह पब्लिक पॉलिसी में GCPP भी किया है इन्होंने, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन से। तो स्वागत है आपका प्रखर पुलियाबाजी में। हाय प्रणय, हाय सौरभ, मजा आया यहाँ पे आके। वेलकम प्रखर। तो प्रखर, सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करते हैं, ये जो स्टेट कैपेसिटी है, या इसको अब शुद्ध हिंदी में कह दो राज्य क्षमता शायद कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है ये स्टेट कैपेसिटी? जी, तो स्टेट कैपेसिटी एक राज्य की एबिलिटी उसको सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, उसको ब्रॉडली उसको स्टेट कैपेसिटी बोलते हैं। पर इसके दो जो शब्द हैं, राज्य और क्षमता, उनको अगर अलग अलग देखा जाए तो बेहतर समझ पाएंगे स्टेट कैपेसिटी क्या है। तो एक एक राज्य या स्टेट का क्या रोल है, क्या करना चाहिए, ये बहुत, मतलब कई कई हजारों लाखों सालों से इस पे डिबेट चल रहे हैं। और तो कुछ लोग, जैसे कुछ फिलोसोफर्स थे, जैसे हॉब्स एक थे, जिन्होंने बोला कि इंसान अपना विनाश करने के लिए हमेशा उतावला रहता है, वो एक दूसरे को इंसान मार सकते हैं, और इसलिए एक आपको एक 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 सरकार चाहिए या एक राज्य चाहिए जो उसको रोक सके। लॉक का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन था, जिन्होंने बोला कि इंसानों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो राइट्स की उन्होंने बातें की, क्या अधिकार होने चाहिए लोगों के, और इस वजह से एक स्टेट का होना जरूरी है कि कौन क्या कर सके क्या नहीं कर सके। तो ऐसे बहुत बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हुए हैं कि एक स्टेट का क्या रोल है, और उनकी जो क्षमता जो आती है वो उस रोल को डिफाइन करने के बाद ही आती है। तो क्या भूमिका है एक पर्टिकुलर स्टेट की, वो जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो मॉडर्न जो कंसेप्शन है कि एक स्टेट क्या है, वो उसकी चार डेफिनेशंस हैं जिसके बेसिस पे एक स्टेट डिसाइड किया जाता है, जिसमें मतलब एक
परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, उसमें एक सरकार होनी चाहिए और विदेश नीतियां करने की उसमें ताकत होनी चाहिए। पर जो स्टेट का जो रोल है वो उसमें चार रोल ब्रॉडली आते हैं। पहला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक समाज में पीस बनाए रखना। दूसरा न्याय, जस्टिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ लोग को लगे कि उनको वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं तो कैसे राज्य वो उन्हें दे सके। तीसरा रेवेन्यू, आय, कैसे वो इकट्ठा करना हो और कैसे स्टेट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन सके। और चौथा सोशल सर्विस, सोशल सर्विस डिलीवरी, तो सामाजिक सेवा, जो नीचे वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास या तो आर्थिक स्थिति जिनकी बिगड़ी हुई है या सोशली जो बैकवर्ड हैं उनके लिए स्टेट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इन इन चार पहलुओं में एक एक राज्य का जो की जो भूमिका है उसको उसको सोची जा सकती है। और इन चारों का जो एंड है वो मीट करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो स्टेट कैपेसिटी है। तो स्टेट कैपेसिटी को ऐसे समझा जा सकता है कि कैसे स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, जस्टिस दे, रेवेन्यू कलेक्ट करे और सोशल सर्विस को अच्छे से करे। तो इसमें अगर अगर सोचें तो वो स्टेट कैपेसिटी का मूल है। और एक सरकार इसको कैसे आगे ले जाती है वो उस सरकार की अच्छी या बुरी चीज होती है। तो ये प्रखर आजकल जो सिचुएशन चल रही है ये शायद क्या इसमें सारे ही पॉइंट्स बेसिकली घुस गए हैं। शायद ये सोशल सर्विस में आ रहा है, हेल्थ वाला जो इशू है अभी कोरोना के टाइम पे, लेकिन उसी के साथ में क्योंकि हेल्थ के लिए आपको इतना लॉकडाउन वगैरह करना है तो एक लॉ एंड ऑर्डर भी उसमें आ जाता है, प्लस रेवेन्यू सरकार का भी गिर गया है तो उसको वो भी बैलेंस करना है। इसमें देश की इकोनॉमिक और दूसरी वेलबींग कहां पर आपको लगता है आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जिस सरकार का खुद सेंट्रल, आई मीन ये थोड़ी सी आपने जिस तरह से बताया ये एक तरीके का सरकार का बड़ा सेल्फ सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसमें कोई सिटीजन सेंट्रिकनेस नहीं दिखती। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। तो इसमें जो सरकार की जो एग्जिस्टेंस है वो सिटीजंस की एग्जिस्टेंस की वजह से है। तो मतलब इस कंसेप्शन में वैसे सोचा जा सकता है कि अगर लोग नाखुश हैं तो सरकार अच्छी सरकार नहीं हो सकती। तो लोगों के हित में जब सरकार काम करे इन चार पहलुओं के अंदर तो तब वो एक अच्छी सरकार बनती है। और जैसा आपने बोला कि मतलब अभी जो कोरोना का जो क्राइसिस चल रहा है उसमें ये चारों का रोल है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टेट्स अपने बॉर्डर्स नहीं सील करेंगे, और आप छोटे स्टेट्स मान लीजिए जैसे गोवा जैसे एक स्टेट है जिसकी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटका है दोनों में जहाँ ज्यादा केसेस आए हैं, तो गोवा को अपने बॉर्डर सील करने पड़ेंगे ताकि लोग महाराष्ट्र और कर्नाटका से अंदर नहीं आए और गोवा को इन्फेक्ट नहीं करें। और अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो गोवा के अंदर लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है और मतलब वो एक स्टेट फेलियर होगा उस स्टेट का। तो और दूसरा उल्टा भी है, गोवा बहुत ज्यादा निर्भर करता है गुड्स बाहर से आने पर, तो उसको लोगों को रोकना है लेकिन सामान आने देना है, वरना वहां पे शॉर्टेज बहुत जल्दी हो जाएगी चीजों की वहां की, क्योंकि लोकल तो कुछ उगता नहीं है। एग्जैक्टली, यही कॉम्प्लिकेशन है। और ये कई सारे राज्यों के साथ ये कॉम्प्लिकेशन है कि आप कैसे डिसाइड करें कौन सी गाड़ी या कौन सा ट्रक अंदर आएगा, कौन सी गाड़ी या कौन सा ट्रक बाहर जाएगा, और इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो जो राज्य ये अच्छी तरह से कर पाते हैं उनकी कैपेसिटी वो रिफ्लेक्ट करता है, जो नहीं कर पाते हैं उनकी नहीं करता है। और यही मतलब रेवेन्यू में भी यही आता है। जैसे आपने बोला जो इकोनॉमिक स्थिति है वो इंडिया की बहुत अच्छी नहीं है अभी, और इस वजह से इंडिया क्या ग्लोबली मतलब को बहुत भारी नुकसान होगा। तो कितनी फिस्कल पावर है, कितनी क्षमता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में उसको ये क्राइसिस को कम्बैट करने के लिए, वो उनका रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जो उन्होंने कलेक्ट किया है पिछले सालों से वो आज काम आएगा। तो जैसे प्रधानमंत्री ने 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया, क्या वो इनफ है, क्या वो नहीं है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, ये वाले जो सवाल जब उठते हैं तब स्टेट कैपेसिटी का असली जो है मूल भार आता है। और यही सोशल सर्विस से भी रिलेटेड है कि आपने जब 1.7 लाख करोड़ रुपए जब आपने अनाउंस किए उसमें आप कौन से वर्ग हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, कौन से वर्ग हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो अर्बन पुअर जो है उसकी टारगेटिंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, तो उनके लिए आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये क्राइसिस बहुत अच्छे से दर्शाता है कैसे स्टेट कैपेसिटी का असली टेस्ट ऐसी एमरजेंसीज है। तो प्रखर, ये जो राज्य क्षमता है या स्टेट कैपेसिटी, लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब मैंने जहां तक सोचा था कि
जैसे एक डेफिनेशन होता है स्टेट का कि स्टेट को मार्केट फेलियर्स ठीक करना है, है ना। तो पहले मार्केट है, उसी से सब समृद्धि आती है, लोगों की बेहतरी होती है। और पर लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट्स सब कुछ कर सकते हैं, मार्केट्स भी फेल होते हैं, और जब मार्केट फेल होते हैं तो राज्य को अंदर आना पड़ता है और चीजें ठीक करनी पड़ती है। और उस चीज को ठीक करने के लिए राज्य को देखना चाहिए कि उनके पास ये क्षमता भी है कि नहीं कि वो चीजों को ठीक कर पाए। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लिए कोई कंपनी है जो अपने एफ्लुएंट्स किसी नदी में डाल रही है और उसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हर कंपनी उनके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो कर रही है, वो सब लागू हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए उन्हें एक क्षमता चाहिए और उसे कहते हैं राज्य क्षमता, है ना। तो इस टर्म का ऐसे शुरुआत कहां से हुई, लोग क्यों सोचने लगे इसके बारे में? तो 1930-32 के आसपास मैक्स वेबर करके एक स्कॉलर थे जिन्होंने पहली बार एक ब्यूरोक्रेसी या एक गवर्नमेंट के जो प्राधिकारी जो होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा, और उन्होंने कुछ 5 या 6 प्रिंसिपल लिखे कि क्यों वो ब्यूरोक्रेसी बहुत जरूरी है एक राज्य क्षमता के लिए, और उसके क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो सरकार जो है वो अपने अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाए। और वहां से ये डिस्कशन शुरू हुआ, और जैसे जैसे 20वीं सदी खत्म होती गई वैसे वैसे ग्लोबली लोगों को समझ आने लगा कि सरकार जो है वो एक्चुअली डेवलपमेंट करती नहीं है पर डेवलपमेंट के रास्ते में आती है। तो इसलिए लिबरलाइजेशन और ये सब जो मूवमेंट्स हैं इनका, जो रोनाल्ड रीगन जो थे या मार्गरेट थैचर जो थी जिन्होंने मिनिमम स्टेट की जिन्होंने बात की, वो वाला नैरेटिव ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगा। और जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा तो 1980 के दशक में और 1990 के दशक में ये डिस्कशंस होने लगे कि स्टेट कैपेसिटी का एक्चुअली मतलब क्या है, और तब लोग सोचने लगे कि नहीं सरकार शायद एकदम मतलब लोगों के हित में इस काम करने के लिए सरकार को भी कुछ चीजें चाहिए। तो उसके बारे में स्कॉलर्स सोचने लगे। तो 1997 में एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो थी, जो वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जो एक मतलब वो एक लैंडमार्क पब्लिकेशन होता है, और 1997 वाली जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट में उन्होंने स्टेट के बारे में लिखा कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वहां से मतलब मोटा मोटी वहां से शुरू हुआ स्टेट का रिकंसेप्चुलाइजेशन, उसको वापस सोचना कि एक अच्छा स्टेट क्या होता है, एक अच्छी सरकार कैसे बनाई जाती है। और फिर मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स फ्रैंक फुकुयामा जैसे हैं, उन्होंने गवर्नेंस के बारे में लिखा। 1980s-90s में थीदास कोपकोल थी जो हार्वर्ड में थी, उन्होंने लिखा उसके बारे में। तो और फिर अब कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स मिलन वैष्णव, देवेश कपूर, इन लोगों का काम, लैंड प्रिचर्ड, माइकल वुलकॉक, इन लोगों का काम काफी आता है। तो हार्वर्ड में अभी एक स्टेट कैपेबिलिटी सेंटर भी उन्होंने उन्होंने किया है जहां वो सोचते हैं कि कैसे कुछ लर्निंग्स कुछ देशों से दूसरे देशों में ले जा सके। तो ऐसे इस पूरे फील्ड की जो शुरुआत है वो ऐसे हुई। और यहाँ पे जैसे मतलब कई सारे एलिमेंट्स हैं कि, और इसमें बहुत सारे मूविंग पीसेस भी हैं। तो पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि स्टेट कैपेसिटी एक बहुत पुरानी फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है। मतलब आप सोचिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये बहुत सालों पहले जाती हैं। स्टेट कैपेसिटी तो कुछ 2-3 दशक पुरानी है प्रॉपरली। तो उससे पहले लोगों ने ऊपर नीचे बात की थी, पर अभी फोकस इस पे आया है, तो इसलिए इसमें और ज्यादा काम होना बाकी है। पर जो अभी तक जो काम हुआ है वो कई सारे चीजों पे उसके डिबेट होते हैं। कि पहला ये कि वो जैसा मैंने बोला कि स्टेट का रोल क्या है, क्योंकि बहुत सारी, अब जैसे चाइना अपने आप को जैसे डिफाइन करता है और इंडिया अपने आप को जैसे डिफाइन करता है, वो अलग अलग डेफिनेशन ही होती हैं। तो क्या फिर स्टेट कैपेसिटी भी उनके लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे मापी जाएंगी कि वो सेम ही रहेंगी? तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट आते हैं। और इसको मेजर कैसे किया जाए? तो वर्ल्ड बैंक के जैसे वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं, और ऐसे कई सारे इंडेक्सेस हैं, पॉलिटी आईवी इंडेक्स, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स बनाए गए हैं, फेल्ड स्टेट्स इंडेक्स और ये सब, जहां ये देखने की कोशिश की है कि स्टेट अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। पर उसको मतलब उसको एक पॉइंट पे या एक नंबर पे लेके आना और सोचना कि वो उस स्टेट की का एक ट्रू रिफ्लेक्शन है, वो बहुत मुश्किल है।
तो उसपे काम जो है अभी और ज्यादा होगा कि स्टेट कैपेसिटी को मेजर कैसे किया जाए और उसको कंसेप्चुलाइज कैसे किया जाए। इसमें प्रखर एक और भी चीज है, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेट कैपेसिटी ओवरऑल, लेकिन आपने जो शुरू में तीन चार चीजें भी बोली जो इम्पोर्टेंट है, अब कहीं पे वो राज्य सरकार होती है, कहीं पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, कहीं पे यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कहीं पे एक तरीके की जैसे कहते हैं पैरास्टेटल ब्यूरोक्रेसी जो चीजें ये कर रही होती है, कुछ चीजें पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में है, कुछ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप के अंडर में है, कुछ जुडिशियरी जो है वो अलग है। तो ये सारा जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि एक नागरिक के लिए तो भैया एक सरकार है जो मेरे लिए करती है, लेकिन सरकार खुद में इतनी पेचीदा है, तो वो पेचीदगी का भी इससे रिलेशन है कि कैपेसिटी कितनी अच्छी होती है। यूजुअली तो मैंने देखा है जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं आप, वहां पे जो है कैपेसिटी यूजुअली आउटकम्स जो है वो खराब होते हैं। और दूसरी जो चीज हम ये भी जानते हैं कि अगर आप चीजों को सेंट्रलाइज करें तो भी आउटकम खराब होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के आउटकम ज्यादातर अच्छे पाए गए। जी नहीं, एकदम सही कहा सौरभ। तो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 20% है, 20% है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की, और इसलिए यहाँ पे जो पेचीदगी की जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा दिखती है बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो मतलब यूपी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ब्राजील की जितनी है और सिक्किम की पॉपुलेशन भूटान जितनी है, तो इसलिए अगर उन राज्यों को गवर्न करना है तो वो पावर डिवॉल्व करनी पड़ेगी, जिसको एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर जो है इंडियन फेडरलिज्म का, उसमें पावर देनी पड़ेगी। तो सेंटर के पास कुछ चीजें हैं जो सेंटर लिस्ट में होती हैं, स्टेट के पास कुछ चीजें हैं जो स्टेट लिस्ट में होती हैं, और आर्थिक स्थिति भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग। तो गोवा का जीडीपी जैसे जॉर्डन के जीडीपी के मुकाबले में है, पर बिहार का जीडीपी हेटी के जीडीपी के मुकाबले में, जो एक बहुत गरीब देश है। तो क्योंकि जो सोशियो डेमोग्राफिक जो है सामाजिक स्थिति अलग अलग है अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, इसलिए ये पेचीदगी का होना मुझे लगता है कि थोड़ा जरूरी है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मिलन वैष्णव तीन पीज की बात करते हैं उनके फ्रेमवर्क में, प्रोसेस प्रोसीजर पर्सनल, और बोलते हैं कि ये तीन जो चीजें हैं ये स्टेट कैपेसिटी का कुछ रिफ्लेक्शन है एटलीस्ट टू सम डिग्री, मतलब कुछ हद तक तो ये स्टेट कैपेसिटी को कैप्चर करता है। तो पर्सनल वो ये है कि कितने लोग हैं गवर्नमेंट में। अब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें मतलब पूरे इंडिया में, तो 3.2 मिलियन ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग हैं गवर्नमेंट में, 30 लाख लोग बेसिकली। हाँ 30 लाख, और सिर्फ रेलवेज में 1.3, मतलब सिर्फ और बाप रे, तो उसमें से 30 लाख में से लगभग 13 लाख तो रेलवे में ही, रेलवे में ही है। तो यानी कि एक जगह पे बहुत ज्यादा है, और रेलवे कर्मचारियों को शायद गिनना ही नहीं चाहिए, वो तो एक कंपनी एक तरीके की आप यातायात सुविधा चला रहे हैं, तो उसको आप सरकारी अफसर उनको मानना चाहिए या नहीं ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और यहीं पे ये मतलब क्या स्टेट अपने आप को या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को कैसे देखती है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या रेलवेज इंडियन गवर्नमेंट को चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, अब इसमें भी बहुत सारे पहलू हैं। मतलब एक चीज तो प्रॉफिटेबिलिटी और क्या वो चला सकते हैं वो एक बात हो जाती है, पर दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट वगैरह की भी बात आ जाती है कि अगर वो मान लीजिए अगर वो रेलवेज बंद कर दें या उसको प्राइवेटाइज कर दें किसी और को दे दें चलाने के लिए, तो ये जो करीब 13 लाख लोग हैं इनका क्या होगा और इनको कहां फिर अब्सॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि ये लोग अगर प्रोटेस्ट करने लगे या स्ट्रीट पे आ गए तो वो शायद गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो प्रोसेस प्रोसीजर पर्सनल जो तीन चीजें हैं वो काफी इंटरेस्टिंगली मिलन ने बोला है, और अरुण शौरी जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, उन्होंने किताब लिखी है जिसमें वो कई ऐसे दो तीन इंस्टेंसेस बताते हैं। जैसे वो होटल्स के बारे में बताते हैं कि भारत सरकार के कई सारे होटल्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी कई सारे होटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और वो बहुत सारे होटल्स अधिकतर होटल्स जो हैं लॉस में चल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं वो होटल्स, अब मतलब गवर्नमेंट को होटल से बाहर निकलना चाहिए, सरकार का क्या काम है, ये जो चार जो पहलू मैंने आपको बताया लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस रेवेन्यू सोशल सर्विस, इसमें होटल कहीं भी नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि सारे होटल्स हम बेचेंगे या एटलीस्ट किसी और को देंगे चलाने के लिए ताकि अच्छे से चल तो सके। पर जब वो करने गए वहां पे लोकली जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उस वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ गए, ऑपोजिशन लीडर्स ने कुछ प्रोटेस्ट खड़े करवा दिए, तो जब वो बायर्स के साथ जब वो होटल मतलब डील साइन होने वाली थी और जब वो होटल में थी तब बहुत एक भीड़ आई और उसने होटल के खिड़कियां तोड़ दी और मतलब पेड़ काट दिए और ऐसे बस
बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो ये मुश्किलें भी आती हैं सरकार में, और यही कैपेबिलिटी की जो बात है वो यही है कि कैसे, तो एक मेट्रिक जो कैपेबिलिटी का है वो डोमिनेंस का मेट्रिक है कि कैसे क्या पॉलिटिशियंस और क्या ब्यूरोक्रेट्स अपने लोगों से वो करवा पा सकें जो वो चाहते हैं उन्हें करवाना, और अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं तो क्या वो सच में अच्छी कैपेसिटी है। तो ये एक थोड़ी मतलब कोअर्सिव सी डेफिनेशन है, पर स्टेट जैसे मतलब प्रणय भी बोलने की कोशिश करते हैं, स्टेट का एक लेजिटिमेट रोल है कि जैसे वेबर ने बोला है उनकी मोनोपोली होती है वायलेंस पे, कि वो एक एंटिटी है जो जैसे पुलिस वाला जो है वो आपको लेजिटिमेटली मार सकता है, पर अगर आप उसे लेजिटिमेटली मारो तो वो शायद आपको अंदर कर सकता है। तो ये पावर एक स्टेट की कि सोच में ये पावर है। नहीं, ये तो सबने आजकल देख लिया, डंडा तो सब देख ही रहे हैं आजकल, जैसे आप सड़क पे निकले तो आपको डंडा दिख जाता है। नहीं हाँ, वो तो और अब कैपेसिटी जो है उसका वो क्वालिटी वाला जो मेट्रिक है वो वही आता है कि क्या उनकी पुलिस ऑफिसर्स या जो कुछ भी हेल्थ ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स क्या उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है और उनको कैसे सिखाया जा रहा है कब डंडा यूज करना है कब नहीं। और मतलब ये सेंट्रल लेवल पे तो भी ठीक है, पर स्टेट लेवल पे जब बात आती है जब की इन ट्रेनिंग्स की तब ये काफी वीक हो जाता है। तो आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स को तो भी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, पर जो स्टेट लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती उन्हें। हाँ। मतलब मैं एक रेवेन्यू सेक्रेटरी से कुछ समय पहले बात कर रहा था जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो करीब 5-10 साल पहले, तब उनको सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग मिली थी, और वो मतलब वो उस पोजीशन पे हैं जहां वो रिस्पॉन्सिबल हैं बजट बनाना पूरे स्टेट का, और 2 महीने की ट्रेनिंग में कोई आदमी वो कैसे कर सकता है। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं देती है स्टेट, और ये पर्सनल वाली बात आती है यहाँ पे। और ऑफ कोर्स उनके प्रोसीजर्स कुछ ज्यादा ही वो होते हैं। तो अगेन अरुण शौरी की किताब में उन्होंने एक चीज बोली है कि एक ब्यूरोक्रेट जानना चाह रहा था कि वो ग्रीन कलर के इंक से फाइल पे लिख सकते हैं कि नहीं, और उन्होंने ये सवाल रेस किया। अब वो सवाल 3 साल तक उस पे कमिटी पे कमिटी बैठी और लोगों ने मतलब प्रॉपरली डिस्कस किया कौन लेगा ये डिसीजन कौन नहीं लेगा। तो यही जो पेचीदगी जो सौरभ बात कर रहे थे वो यहीं पे आती है कि वो सेंटर होगा कि स्टेट होगा और सबको किसकी क्या पावर है और कौन से लॉ में क्या लिखा है। मतलब वो एक छोटे से सवाल के लिए इतना पूरा हुआ, 3 साल तक ये डिस्कशन चला, और 3 साल बाद जब उन्होंने आंसर दिया तो उसमें इतना स्पेसिफिक आंसर था कि इस लेवल का ऑफिसर इस कलर के पेन से लिखेगा, उस पेन में ऐसी इंक होगी, वो इंक इस ये BIS सर्टिफाइड होगी, और मतलब वो इतना ज्यादा डिटेल में वो आंसर आया बाहर कि मतलब ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। और हर कि पेन उठाने पे भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं तो मैं कोई रूल वायलेट करने वाला हूं। हाँ, तो वही जो स्ट्रिक्टनेस जो है प्रोसीजर की, और मतलब कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि वो जरूरी है। अगर आपको जैसे रेलवेज में अगर 13 लाख लोग हैं तो आपको कुछ प्रोसेस कुछ रूल्स चाहिए ताकि सब एक साथ एक गोल के लिए काम करें, पर वो लाइन आप कहाँ ड्रॉ करते हैं और कहाँ ऑटोनोमी जो है ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है स्टेट कैपेसिटी अच्छी होने का जिसपे हम बात करेंगे, पर वो ऑटोनोमी जो है ब्यूरोक्रेट्स की कितनी है कितनी नहीं है वो भी थोड़ी जरूरी हो जाती है। नहीं, और आप लोगों ने जो डेवोल्यूशन की बात की सौरभ, उसका वही है जो केंद्र सरकार है वो हमेशा यही बोलेगी कि अरे हम ये काम राज्य सरकार को दे तो देंगे लेकिन उनके पास क्षमता कहाँ है। तो उनके पास क्षमता नहीं है इसीलिए हम कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग बोलेंगे, और सरकार के कई जैसे नेवी बोलेगी अरे हम कोस्ट गार्ड को ये काम दे तो देंगे लेकिन उनके पास क्षमता कहाँ है तो इसीलिए हम कर रहे हैं। आर्मी बोलेगी कश्मीर में हम पुलिस को दे तो देंगे काम लेकिन उनके पास क्षमता कहाँ है इसीलिए हम है। तो हर जगह आप देखेंगे कि ये क्षमता जो है उसी की बिना पर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, भारत में एक बड़ा पैराडॉक्स है भारतीय सरकार का कि जो हमारा राज्य है वह कभी कभी तो एकदम सर्वव्यापी लगता है, हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, और कई जगह पर वो एकदम गैर हाजिर भी है, कुछ जगह तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस पैराडॉक्स को कैसे समझा जाए प्रखर, क्या लोगों ने कहा है इसके ऊपर? तो वो जो आप बात कर रहे हैं कुछ जगह जहाँ पे वो गैर हाजिर है और कुछ जगह पे जहाँ वो बहुत अच्छा काम करता है, वो उसमें ये सोचने की जरूरी है कि वो
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन चीजों के, उन एक्शंस के, उन पहलुओं के, कि वो उन कार्यों के कि वो सरकार अच्छा काम करती है और किन में वो अच्छा काम नहीं करती है। तो लैंड प्रिचेट माइकल वुलकॉक के दो स्कॉलर्स हैं जिनका एक बड़ा अच्छा पेपर है, उनके पेपर का नाम है सल्यूशन व्हेन द सल्यूशन इज द प्रॉब्लम। और वो मतलब उस कहने का ये मतलब है कि जब आपका जो सल्यूशन है जब वो ही प्रॉब्लम बन जाए तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए। और वो जो सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है उनके हिसाब से वो ब्यूरोक्रेसी है। तो उनका कहने का ये मतलब है कि हम दुनिया में इन सक्सेसफुल देशों को देखते हैं जैसे डेनमार्क हो गया या यूरोपियन जो देश हो गए, और हम देखते हैं कि उनकी सरकारों का स्ट्रक्चर क्या है और हमें वो सरकारों का स्ट्रक्चर इंडिया में भी लाना चाहिए। तो और हम ये सोचते हैं कि हमने अगर वो कर दिया तो इंडिया बहुत अच्छा हो जाएगा और भारत का विकास मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और ऐसी ऐसी बातें। और ये हम कई मतलब न्यूज में भी हम पढ़ते हैं, ये कंपैरिजन हम बहुत देखते हैं कि कैसे वो देश बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं वगैरह वगैरह। तो उनका ये कहने का मतलब है कि ये जो सोच है यही सोच प्रॉब्लमैटिक है, कि कोई एक ब्यूरोक्रेसी नहीं है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है जब आप उसको बस एक दूसरे देश का कॉपी कर लो। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपके क्या सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, आपकी क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है। जैसे सौरभ और मैं भी जो डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में राज्य बहुत अलग अलग हैं और तो उसके हिसाब से आप कैसे ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर करें। तो वो एक बात करते हैं डिस्क्रिशनरी टास्क की और ट्रांजैक्शन इंटेंसिव टास्क की। तो डिस्क्रिशनरी टास्क का मतलब है कि मतलब वो एस्पेक्ट्स या वो कार्य जो चार पांच लोग बैठ के अच्छे से कर सकें, जो जिसकी सिर्फ एक्सपर्ट्स की जरूरत है। जैसे एक देश का इंटरेस्ट रेट सेट करना, तो अगर आपको वो सेट करना है तो उसके लिए आपको मतलब पूरी देश की जनता की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चार लोग चाहिए जो समझ सके आर्थिक स्थिति इस देश की और एक कमरे में बैठ के वो डिसाइड करेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वो करना उसमें भी अपने चैलेंजेस हैं पर वो एक डिस्क्रिशनरी टास्क है। दूसरा ट्रांजैक्शन इंटेंसिव की, जहां पे आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है और जब आपको एक सर्विस एक जगह से दूसरी जगह देनी हो, जैसे जो बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है पूरे देश में, तो अगर गरीब बच्चों को या स्कूल में आने वाले बच्चों को अगर खाना दे रहे हैं तो उसमें आपको एक पूरी सप्लाई चेन जो है वो लगती है कि कैसे आप कहाँ से सब्जियाँ लें, वो कहाँ जाएंगी, कहाँ बनेंगी, फिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो स्कूल में सब बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मॉनिटरिंग होता है कि क्या सब कुछ अच्छे से हुआ नहीं हुआ, क्वालिटी कंट्रोल इवैल्यूएशन, इसमें जो खर्चे आ रहे हैं उसके बारे में। तो ये जो टास्क हैं ऐसे करके उन्होंने डिवाइड किए हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, सोचने वाली चीज है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है जो ट्रांजैक्शन इंटेंसिव चीजें हैं उसमें काफी अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें हम दिन भर सुनते हैं कि कैसे लीकेजेस की प्रॉब्लम है या करप्शन की प्रॉब्लम है। तो ये एक चीजें हो जाती हैं कि ट्रांजैक्शन इंटेंसिव टास्क में आप अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो और वो क्यों नहीं कर रहे हो, वो वाली चीजें सोचने वाली होती हैं। हाँ, जैसे आजकल देख सकते हैं ना प्रखर, हिंदुस्तानी सरकार जो है शायद दुनिया में कहीं से भी हमको अगर 10,000 क्या 1,00,000 लोगों को भी लाना हो तो हमारे हवाई जहाज जा करके उनको चाइना इराक या यूएस ईरान कहीं से भी ला सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में करोड़ों मजदूर जो शहरों में फंसे हैं, अगर उनको हमारे गांवों तक भेजना हो तो सरकार बोलेगी कि भाई ये सब हमसे नहीं होगा, जहां हो वहां बैठ जाओ चुपचाप से। हाँ, मतलब सही बात है, क्योंकि जब राज्य सरकारों की बातें आती है इंडिया में तब वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो अगर कोई माइग्रेंट दिल्ली से, इसमें सिर्फ राज्य सरकार मत बोलो, रेलवे तो यूनियन गवर्नमेंट ही चलाती है, रेलवे बंद ही कर दी कि भाई हम जो है इससे तो ये चीज फैलेगी, जो विदेशी लोग आ रहे थे उनसे नहीं फैल रही थी हिंदुस्तान आने से, जबकि विदेशों से ही आया है ये कोरोना वायरस। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अब हम जो है रेलवे पूरी बंद कर देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ फैले। तो ये यहाँ पर भी कुछ कुछ है देखने वाली चीज। नहीं, एकदम सही बात है। तो मतलब अगर जैसे रेलवे चलो उन्होंने अगर बंद भी कर दी तो प्लान्स होने चाहिए कि अब जब पता है आपको कि 5-10 मिलियन माइग्रेंट इधर से उधर जा रहे हैं तो आपको मतलब प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ शुरू करें। और जैसे अगर आपको पता है दिल्ली से बिहार अगर ज्यादातर लोग जा रहे हैं तो क्या दिल्ली से पटना एक ट्रेन
हर दिन कम से कम चला सकें, जिसमें लोग बैठ के जा सकें। तो वैसी चीजें जो है सरकार को डेफिनेटली सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। वहां सेंट्रल सरकार का रोल आता है, स्टेट सरकार का रोल वहां आता है जहां पे अगर एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं तो कहां बॉर्डर खत्म होगा और कहां पे उन्हें फूड शेल्टर बनाने पड़ेंगे और कहां पे लोग रहेंगे और उनकी खातिरदारी कैसे होगी, वो सारी जो चीजें हैं वो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को सोचना पड़ेगा। और यहीं पे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म और जो पेचीदगी की जो आप बात कर रहे हैं वो यहीं पे जो है प्रॉब्लम बन जाती है कि कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। तो क्या सेंटर पहले स्टेट को बोलेगी, क्या स्टेट अपने आप करेगी, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, क्या भारत सरकार जो राज्य सरकार है उनको कुछ कुछ पैसा देंगी, मतलब ये सब चलेगा कैसे, क्योंकि एक एडिशनल बर्डन है स्टेट पे, क्यों उन्होंने अपने बजट में ये सब किया नहीं, क्योंकि इमरजेंसी जो स्टेट जो डिजास्टर फंड्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं है कि इस स्केल पे कॉम्पेंसेट किया जाए। तो वहाँ पे जो पेचीदगी है वो थोड़ी सी, वो बहुत बड़ी इनफैक्ट प्रॉब्लम बन जाती है, और इसको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए वो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो यही जो, मतलब कई बार मैं यही बोलना चाह रहा था, कई बार जो डिस्क्रिशनरी टास्क होते हैं वो अगर नहीं हो पाए तो ट्रांजैक्शन इंटेंसिव टास्क भी नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे जो मिलन का जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्रोसीजर्स वो यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रणय का जो सवाल था कि ये ऐसा क्यों है, कुछ चीजों में स्टेट अच्छा करती है कुछ चीजों में नहीं, उसका एटलीस्ट एक आंसर तो ये है कि कुछ में उसके पास अच्छी कैपेसिटी है और कुछ में अच्छी कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा आंसर ये है कि पॉलिटिकली कई बार उनके डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं कि वो कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा सकें और कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ें, और वो बस मतलब जो पॉलिटिकल स्थिति है उस समय की उस पर काफ़ी निर्भर करता है। और लास्टली ये भी है कि कुछ चीज़ें मतलब स्टेट के कई और आएंगे, तो जो मैंने बात की लॉ एंड ऑर्डर और न्यायपालिका जो है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कई बार कुछ कुछ, जैसे गोवा में माइनिंग पे एक बहुत बड़ा वो चल रहा था, बहुत बड़े केसेस चल रहे थे, तो माइनिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गोवा में, और जब लॉकडाउन अगर वो रिलीज करें तो अगर माइनिंग चालू करें तो वहां पे वो मतलब आर्थिक स्थिति गोवा की बहुत अच्छी हो सकती है और फिर सोशल सर्विस भी गोवा गवर्नमेंट अच्छे से कर सकती है, पर क्योंकि वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं और क्योंकि वो अपना टाइम लेते हैं तो शायद माइनिंग इंडस्ट्री वो नहीं खोल पाए। और यहीं पे सारी कैपेसिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब अब इंडिया में जैसे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में नंबर है, और शायद ये बदला हो पिछले सालों में पर ज़्यादा तो नहीं बदला होगा, कि करीब 16 से 20 हज़ार जजेस हैं इंडियन जुडिशरी में, और ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। तो अब 16 से 20 हज़ार जजेस 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस नए नए केसेस भी जो आ रहे हैं। तो जो लॉ कमीशन एक बैठा था उसने बोला था कि इंडिया में 70,000 जजेस की ज़रूरत है, और उस पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है इस गवर्नमेंट से, तो ज़्यादा जजेस ऐसे नहीं हायर किए गए हैं जो कैपेसिटी बढ़ा सकें और जो ये केसेस सॉल्व कर सकें। और यही कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार नहीं कर पाती है। तो कुछ हद तक तो जो सौरभ ने पहले बोला था कि क्योंकि राज्य सरकारें हैं और फिर लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, पंचायत हैं, वो सारी जो है इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, और उस वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो रुक जाती हैं। तो एक्चुअली इसका सौरभ, मैंने एक फ्रेमवर्क जो प्रखर बात कर रहे थे उसमें इस तरह से भी समझा जा सकता है, जैसे जो डिस्क्रिशन मतलब हम कहते हैं जैसे विवेकाधीन जो शब्द, तो जैसे अगर आपने फ्रीडम दे दिया किसी सरकारी अधिकारी को डिसाइड करने का कि वह कुछ सर्विस प्रोवाइड करे या नहीं, तो अगर किसी काम करने के लिए उन्हें ज्यादा डिस्क्रिशन दे दिया जाए, उस तरीके की चीजों में स्टेट कैपेसिटी बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप उदाहरण के लिए ले लिया, एक बैंक के लिए डिपॉजिट लेना काफी आसान है, लेकिन अगर एक बैंक को लोन अप्रूव करना है थोड़े छोटे बिजनेसेस के लिए तो वह थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिशन आ जाता है, लोगों को डिसाइड करना पड़ता है अरे इसका बिजनेस चलेगा या नहीं, है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और ट्रांजैक्शन जैसा कि प्रखर ने कहा, अगर बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना है, बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वह मुश्किल होता है काम। तो उदाहरण के लिए अगर किसी सरकार को क्लासरूम टीचिंग सही करवानी है तो वो थोड़ी मुश्किल बात होगी, क्योंकि करोड़ों टीचर्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगी बात। लेकिन अगर सरकार को करिकुलम डिजाइन करना है तो वह थोड़ी छोटी सी ट्रांजैक्शन है, कुछ 20 लोग बैठ के ये डिसाइड कर सकते हैं, तो उसमें कैपेसिटी डेवलप करना शायद आसान है।
तो इसी तरह से ज्यादा डिस्क्रिशन, ज्यादा ट्रांजेक्शन जहां होंगे वह चीज में स्टेट कैपेसिटी मुश्किल होती है, कम डिस्क्रिशन और कम ट्रांजेक्शन वाली चीजों में स्टेट कैपेसिटी ज्यादा बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है, जैसे कि ये देवेश कपूर ने जो एक रिसेंटली पेपर लिखा था, उन्होंने बोला था कि कुछ चीजें तो भारत सरकार बहुत अच्छे से कर लेती है, जैसे कि कुंभ मेला देख लीजिए। अब कुंभ मेला हर कुछ सालों में होता है और इतने करोड़ों लोग आते हैं, फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं उसे। चुनाव हर बार रेगुलरली होते हैं, हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। पर दूसरी ओर स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसे हम कहेंगे मूल चीजें हैं जो सरकार को करने हैं, उसमें तो हम लोग आप देख ही रहे हैं काफी फिसड्डी है। तो ऐसा क्यों है, ये कुंभ मेला और चुनाव हम क्यों ठीक कर पा रहे हैं, उसमें क्या ऐसा चीज है जो हम लोग ठीक हो जा रहा है? हाँ मतलब सही बात है। तो पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि जितने एक्सप्लेनेशन इसके हैं वो सारे मतलब हम सब सोच ही रहे हैं, अभी तक कुछ वो सबूत इसका मतलब मिला नहीं है। क्योंकि अगर वो मिल गया होता तो अभी तक हम शायद सरकार से बात करके उसको बदलने की एटलीस्ट कोशिश तो शुरू कर दी होती। पर उसका एक रीजन ये है कि जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोग डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में जो मतलब इमीडिएट में जो उन्हें मिल जाए वो उससे काफी खुश रहते हैं। तो अगर कुंभ मेला अगर सरकार अच्छे से ऑर्गेनाइज करे तो एक एक्सप्लेनेशन ये है कि इसलिए पॉलिटिकली जो है लोकल लीडर जो होगा या जो सेंट्रल सेंट्रल जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या जो कोई भी होगा उनको उससे एक 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 लेजिटिमेसी मिलती है, जो लोग जो हैं वो उनको उससे ज़्यादा खुश रहते हैं। पर जो हेल्थ होगा या जो एजुकेशन होगा या मान लीजिए जो पाइपलाइन है जिससे गंदा पानी या घरों का जो जो भी कुछ जाता है उसको अगर आप बनाने जाएंगे तो वहां पे लोगों को वो नहीं दिखेगा, क्योंकि पहली बात तो आपको रोड खोदनी पड़ेगी और उसमें पाइप डालने पड़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे यार यहाँ पे तो पूरे टाइम रोड खुदी रहती है। और दूसरा उसमें ये भी रहेगा कि क्योंकि वो आपने एक बार कर दिया तो उसके बाद लोगों को दिखेगा नहीं, तो वो कुछ एक्सपेक्टेशन है स्टेट की जो मतलब स्टेट अपने आप अच्छे से करेगा। जैसे बॉम्बे में जब फ्लड आया था कुछ साल पहले, जो बहुत बड़ा सा फ्लड था, वहां पे जो उनके वाटर ड्रेन्स थे वो ड्रेन्स क्या तो बंद थे या छोटे थे या चोक हो गए थे, मतलब ऐसे कुछ कारण थे जिस वजह से पानी पूरे शहर में भर गया था। तो उसके बाद से जो सरकार है, जो महाराष्ट्र सरकार है, उसने वो ड्रेन्स की हालत सुधारने की कोशिश डेफिनेटली की और बहुत हद तक सुधारी भी है, पर उसके बेसिस पे उन्हें वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो लोग बोलेंगे अरे ये तो आपको वैसे ही करना चाहिए, ये तो मतलब ये तो हमारा एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो ये स्टॉर्म वाटर पे आता है। पर जब हेल्थ और एजुकेशन की बात आती है तब कहीं 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 ना कहीं ये एक्सप्लेनेशन है कि वो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए जितना ये है, जो मैं नहीं समझता कि वो बात सही है, पर ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सरकार है उसमें ज्यादा ट्रस्ट नहीं है इंडियन पब्लिक का, तो उस वजह से लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है जैसे टैक्सेस देना या इवन इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करना, जो अब तो टर्नआउट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, पर जो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है स्टेट के साथ वो काफी वो क्योंकि ट्रस्ट नहीं है इसलिए वो हमेशा उन्हें एक उस नजर से देखते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, और वो हमेशा उन्हें डाउट करते हैं। तो इसलिए पॉलिटिशियंस के लिए आसान हो जाता है बड़े बड़े होर्डिंग लगाना और ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बुला के मतलब थोड़ी लेजिटिमेसी गेन करना, ना कि अच्छा काम करना। तो पॉलिटिशियंस के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो जो है एजुकेशन या हेल्थ में कुछ कर पाए, तो वैसे वाले भी इशूज हो जाते हैं। और तीसरा ये कि मतलब कुछ हद तक बहुत बड़ी गलती जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी मतलब स्टेट कैपेसिटी की है कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि कैसे क्या सुधार करने हैं और कैसे करने हैं। नहीं तो ये काफी एक विडंबना सी होगी कि हम लोग जो चाहते हैं कि सरकार करे स्वास्थ्य शिक्षा, शायद काफी लोगों ने ऑलरेडी गिव अप मार दिया है सरकार पे, लोगों को लगता है कि सरकार ये कर ही नहीं सकती, तो लोगों ने अपने अपने अरेंजमेंट कर लिए है, सब लोग प्राइवेट स्कूल में डालते हैं बट लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी प्राइवेट हेल्थ केयर। तो फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ एक जरिया हो गया है दूसरी चीजें करने का, जैसे कि यहाँ ये कुंभ मेला ठीक करवा दो, चुनाव ठीक करवा दो या ऐसी सब चीजें। तो ये थोड़ा एक बहुत ही नकारात्मक सा नजरिया हो गया, पर मुझे लगता है कहीं लोग सरकार को अब इस तरीके से देखने लगे हैं।
और सही बात है, मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर एनरोलमेंट स्कूल्स में देखें, या अगर आप इंडिया की हेल्थ केयर कैपेसिटी की भी अगर हम बात करें, तो प्राइवेट हेल्थ केयर कैपेसिटी कई ज्यादा है गवर्नमेंट हेल्थ केयर कैपेसिटी से। और मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर मतलब कुछ चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, जैसे मतलब हेल्थ एजुकेशन कुछ हद तक तो सपोर्ट करना चाहिए, बट कुछ हद तक उन्होंने उन्हें सिस्टम फ्री कर देना चाहिए ताकि जो प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस है वो आके अपना काम अच्छे से कर सकें, क्योंकि उनके इंसेंटिव्स अलाइंड। अब आप ये सोच लीजिए, एयर इंडिया वर्सेज इंडिगो एयरलाइन जो है, तो कितने सालों से एयर इंडिया लॉसेस में चल रही है, और वो लॉसेस का सिर्फ लॉसेस का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि एयर इंडिया लॉसेस में चल रही है, पर ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो लॉस में है, इसलिए गवर्नमेंट की जो का जो पैसा है वो एयर इंडिया में जा रहा है, ना कि कोई और अच्छी चीज में जहाँ जा सके। और ये जो है वो बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट के साथ। तो मतलब जो इकोनॉमिक्स में जो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो आता है, कि आप आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए हैं डेवलपमेंट करने के लिए, अब आप कहाँ करेंगे वो डेवलपमेंट? तो आप स्कूल और हॉस्पिटल बनाइए, ना कि होटल्स रन करने की और एयरलाइन रन करने की कोशिश कीजिए। तो वो वाली जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। पर हमने देखा है न्यूज चैनल्स में जो नैरेटिव्स हैं कि इंडिया की नेशनल एयरलाइन, और उसमें मतलब कुछ हद तक तो लोगों को भी थोड़ा गर्व होता है, और वो ठीक है, पर उसका एक कॉस्ट है जो आ रहा है, और वो कई बार लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल। तो एक वैसे देवेश कपूर का आंसर इस पर ये था कि वो चीजें जो हम लोग छोटे समय के लिए करते हैं और फिर उससे एग्जिट कर जाते हैं, उस टाइप की चीजें सरकारें ठीक करती है, जैसे कुंभ मेला, सेंसस हो गया, चुनाव हो गया, उनमें लोग ये लोगों का काम प्राइमरीली ये सब करना नहीं है, उनको हम लोग सरकार के दूसरे कामों से लेकर छोटे समय के लिए लाते हैं, और ऑब्जेक्टिव और एंड अच्छे से डिफाइंड होता है इसमें, और उसके बाद वो अपने काम में लौट जाते हैं। तो जैसे जिसको ये मिशन मोड काम कहते हैं जो कि हमारी सरकार तो मिशन मोड वाले काम सरकार ठीक कर लेती है, भारत सरकार, पर जहां पर मिशन मोड नहीं है वहां पर वो काम होते ही नहीं। सही बात है। उसमें मतलब जैसे एक चीज जो देवेश कपूर के पेपर में जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको एम्पावर करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को का एम्पावरमेंट जरूरी है, क्योंकि वो लोकली वो ही जो है वो चीजें डिलीवर करते हैं। तो अगर अगर मेरे जो मेरी जो म्युनिसिपैलिटी है उसके पास पावर नहीं है, तो म्युनिसिपैलिटी को हर बार कुछ चेंज करना होगा, उन्हें जाके स्टेट गवर्नमेंट से लेना होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है तो उन्हें जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो हर बार जो है ये ऐसे सर्कल शुरू होता जाएगा, और एक छोटा सा जो काम है, जैसे हमने जो पेन वाली जो बात की, वैसे एक छोटा छोटे से छोटा सवाल, छोटे से छोटा काम एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, जो फिर से सरकार का इतना टाइम उसमें चले जाता है कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा, इस पे इतना ज्यादा टाइम चले जाता है कि वो डिसीजन जब तक लोगे तब तक प्रॉब्लम 5-6 साल पुरानी हो चुकी है, और उस पर कोई काम ही नहीं हो पाता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला जैसे चाइना है और अमेरिका जो है, ये जो देश है उनमें लोकल गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग है, काफी पावरफुल है, उसके स्ट्रक्चर में काफी बदलाव है। पर हम जब देखते हैं वो कई सारे, जैसे गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है वो 2 बार सेटअप हुआ था, और उनमें भी ये आया है कि लोकल गवर्नमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मनमोहन सिंह, मुझे याद है उनकी जो पहली इंडिपेंडेंस स्पीच थी, उसमें उन्होंने बात की थी रिफॉर्म की, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, पर वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं, और कोई अपना पावर क्यों जाने देगा, लेकिन जैसे कि सबको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए पर अपने लेवल तक ही चाहिए ना, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी पावर लोकल गवर्नमेंट को? तो पब्लिक चॉइस थियरी तो यही कहेगी कि उसके लिए कुछ और चीजें होनी पड़ेंगी जिससे कि लोग इस पर राजी हो जाए कि वो अपना पावर दे सके। पर उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि मैंने देखा कि लोकल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट है वह साल ब साल कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। मतलब हम लोग तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये और इससे रिलेटेड मेरा एक और भी सवाल है, अक्सर लोगों को लगता है हिंदुस्तान में सरकार बहुत मोटी है, बड़ी है और ये है, लेकिन जब भी नंबर वगैरह देखे जाते हैं असल में हिंदुस्तान की सरकार तो काफी छोटी है, नहीं जैसे बाकी देशों की सरकारों के कंपैरिजन में। एकदम एकदम सही कहा आपने। तो हिंदुस्तान की सरकार बहुत ज्यादा छोटी है बाकियों के कंपैरिजन में। तो जैसे यूएस यूएस का जो साइज है वो करीब 8 एम्प्लॉय पर 1,000 लोग हैं, पर इंडिया का सिर्फ 4 एम्प्लॉय पर 1,000 लोग हैं। इंडिया की जो
IAS IPS ऑफिसर हैं वो मतलब कुल मिला के, और ये चार एम्प्लॉय में रेलवे के 13 लाख भी हैं, 13 लाख भी हैं, मैं यही बोलने वाला था जो कि जिनको आप सरकारी तंत्र नहीं मान सकते। हाँ, मतलब वो सरकार के पेरोल पे हैं, पर जो गवर्नेंस का जो काम है वो डायरेक्टली वो उसमें एंगेज बिल्कुल नहीं है। राइट, और यूएस में ऐसे कोई लोग नहीं होंगे ज्यादातर, मतलब वो सारे सरकारी तंत्र वाले लोग होंगे। हाँ, इसलिए वो मतलब स्टेट की कैपेसिटी, ये चार का नंबर भी जो है वो थोड़ा हमें ये जी जी एक्चुअली गड़बड़ नंबर है देखने में। हाँ जी, और IAS IPS आई थिंक कुल मिला के शायद 11,000 है, जो एक मतलब 1/4 या 1/5 है यूएस का। जो इंडिया का जो एनालिटिक्स डिपार्टमेंट है टैक्स में, उसमें सिर्फ 20 लोग हैं, जहाँ यूके के एनालिटिक्स डिपार्टमेंट से 400 लोग हैं, और यूके की पॉपुलेशन होगी कुछ 60-70 मिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन तो हमें पता ही है, तो कहाँ मतलब इतना डिफरेंस है। और हमारी जो और इसी से रिलेटेड ना, आई मीन प्रणय तुम बोल रहे थे जैसे हम मिशन मोड अच्छा करते भी है ना, वो इसी ये होता है कि एक हम सीन इफेक्ट देखते हैं कि वो जो दिख रहा है ना, तो दिखता है कि मिशन मोड अच्छा हो रहा है, पर उस समय हम ये जो चार इम्प्लॉई हैं बाकी भी ना, उनको खींच करके बोलते हैं तुम यही काम करो, बिल्कुल उस समय ये नहीं दिखता है कि जो उनको यूजुअल काम करना होता है वो तो नहीं हो रहा ना उस समय। बिल्कुल, सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, स्कूलों का स्कूल तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल तो ऐसे ट्रीट किए जाते हैं कि वहां उनको स्कूल का टीचर को तो कुछ भी करा लो। हाँ, कुछ भी, हाँ। ठीक है, कभी सेंसस के लिए पढ़ाने के अलावा सब काम कर दे स्कूल टीचर। हाँ, नहीं, वो पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, उसका असर तो आपको 12 साल में दिखेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन आप उस समय भाई, उस समय हम इलेक्शन अच्छा करा देंगे 2 महीने में, उस समय हम सेंसस अच्छा करा देंगे 2-3 महीने में, तो ये जो कैपेसिटी भी है उसमें हमारा एक तरीका भी है कि एक फ्री में बहुत काम कराना, ये नहीं कि अभी टेम्पररी आदमी चाहिए तो आप पैसे दे करके प्राइवेट मार्केट में से हायर कीजिए और पैसे खर्च कीजिए, फिर हम बोलेंगे देखो कितना सस्ता चुनाव कराया हमने, क्योंकि हमने लोगों की एजुकेशन मार के कराया ना। सही बात है, और मतलब जो लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है कि कैसे, जैसे मैंने जजेस की बात की, और स्टेट लेवल पे भी जजेस नहीं है, मतलब आंध्र प्रदेश में आई थिंक वेकेंसी की सैंक्शनड है कि ये जजेस लेने चाहिए पर उन्होंने नहीं लिया, वो आई थिंक 70% है, तो सिर्फ 30% तो ये, लेकिन ये मेरे को ये चीज बताओ, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया, मुझे हमेशा लगता है कि हिंदुस्तान को अगर कोई एक मिशन मोड में काम करना चाहिए तो अगर रिक्रूटमेंट सॉल्व करे तो बाकी सारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और ये हम हर जगह देखते रहते हैं, पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है, आर्मी में भी शॉर्टेज है, हिंदुस्तान में लोग इतने ज्यादा हैं और सरकारी नौकरियों में लोग भर नहीं रहे हैं, सैंक्शन नहीं है सब, ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि ये लोगों को लेना नहीं है, तो ये क्या चक्कर है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के स्कैम इतने हैं तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते किसको पैसा खाना है तो हायरिंग नहीं होती है, या फिर जेन्युइनली इनकॉम्पिटेंस इतनी है तो हमको नहीं बोलना चाहिए कि स्कैम की वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि लोग इतने इनकॉम्पिटेंट है कि उन्हें पैसा खाना भी नहीं आता। नहीं, अब मुझे नहीं लगता इनकॉम्पिटेंसी एक फैक्टर है यहाँ पे, मतलब अब इस ये जो पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा अभी काम होना बाकी है, पर ज्यादातर तो यही लगता है कि जो हम जो बात कर रहे थे, जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने लंबे चौड़े होते हैं कि या तो आधे से ज्यादा लोग उससे हट जाते हैं या वो नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ स्टडीज की माने, और जैसे देवेश कपूर ने भी लिखा है कि जो सरकारी जो नौकरी होती है वो लोगों को चाहिए होती है, मतलब रूरल इंडिया में वो एक ऐसी वो आज भी एक बड़ी कंफर्टेबल वाली जिसको बोलते हैं नौकरी होती है, और लोग वो करना चाहते हैं, इसलिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो ऑलमोस्ट हमेशा जो है बहुत ज़्यादा लोग उसमें उसके लिए साइन अप करते हैं, और IAS में भी हमने देखा यही है कि कैसे लाखों लोग लिखते हैं कुछ चंद हज़ार सीटों के लिए, तो मतलब लोगों के लोगों लोग तो सरकारी नौकरी चाहते हैं, पर जो प्रोसीजर्स हैं और वो कुछ ऐसे हैं कि वो किसी तरह ऐसा होता है कि मतलब वो उतने लोग नहीं ले पाते। कुछ हद तक शायद ऐसा हो सके कि जैसे इंडिया में शायद उतने जजेस हैं ही नहीं, कुछ हद तक ये भी हो सके कि जो जजेस का जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है कि जैसे आपको कुछ सालों तक लॉयर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको इतने जजेस में केसेस करने पड़ेंगे, जो कुछ भी वो उनके हैं वो ऐसे हैं कि वो उन्होंने बदले नहीं है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और वो अभी भी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं जिस वजह से वो लोगों को नहीं ले पा रहे हैं, तो ये कई सारी चीज़ें आती हैं। पर हाँ, मतलब आपकी बात सही है कि ये अभी तक हमारे पास कोई ऐसे कोई ठोस सबूत या ठोस कारण नहीं है जिस वजह से ये हो सके, जिसको हम जाके बदल सकें, और ये सिर्फ मतलब अब पुलिस की बात लीजिए, पुलिस में इंडिया में हर लाख लोगों के लिए 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं, और यूके में वही नंबर 225 है, यूएस में वही नंबर 207 है, तो
मतलब इंडिया में ऐसा कोई रीजन नहीं है जब आप क्यों आप आपके पास उतने पुलिस ऑफिसर नहीं है जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के लिए हैं। और ये भी जो पुलिस ऑफिसर है ये राज्यों में बहुत डिफरेंट है। JNK में ऑलमोस्ट 550 पुलिस ऑफिसर पर लाख लोग हैं, पर यूपी में वही नंबर को 40-50 पे आ जाता है। और वो पूरे आपको स्टेट का नंबर दिखता है, मतलब शहरों में जो है वो नंबर शायद फिर भी वैसा ही होगा, 300-400। हाँ सही बात। तो मैं यहाँ बैंगलोर में ही देखता हूँ, बैंगलोर में तो मेरे ख्याल से पुलिस काफी है, और यहाँ से आप 70-80 किलोमीटर दूर जाओ, एक मैं गांव के आसपास जाता हूँ कभी कभार, तो वहां पर एक पुलिस थाना है जो कि 300 गांव को कवर करता है। बाप रे। ठीक है, तो ये कर्नाटका जैसे समृद्ध राज्य की बात बता रहा हूँ। तो ये मतलब जो सरकारी तंत्र का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखेंगे हिंदुस्तान में, वो देख के भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर ये सब जो नंबर है यूएस से कंपेयर करना है, यूके से, इसका कुछ सेंस भी है क्या? क्योंकि अब ये सब चीजें इस पे भी डिपेंड करती है कि हमारा हमारी GDP पर कैपिटा कितना है। अगर हम लोगों पैसा ज्यादा कमाएंगे तो सरकार भी ज्यादा पैसा कमाएगी, सरकार ज्यादा पैसा कमाएगी तो सरकार ज्यादा लोगों को रिक्रूट भी कर पाएगी। तो अब हमारी नहीं, लेकिन प्रणय में ऐसा प्रणय, लेकिन इसमें मैं बोलता हूँ कि ये GDP वाला जो नंबर है वो एक तो हमारी सरकारें जो है मेरे ख्याल से जितनी हमारे देश की गरीबी उससे ज्यादा हम सरकारी लोगों को पैसा देते हैं, पर यूजली ये तो अपने आप एडजस्ट हो जाना चाहिए ना। अगर आपके देश गरीब है तो आप तनख्वाहें कम देंगे, तो आप जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम रहने चाहिए ना। हाँ वो एक सिर्फ उनकी आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी और उनकी क्वालिटी जो कि आप उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं वो इम्प्रूव होती रह सकती है, लेकिन क्या हम एक इंसान को भी नहीं वहां टिका सकते? और वो एक बात, दूसरी बात ये है कि वैकेंसी जो है वो तो सरकार ने अपने लिए डिसाइड किया ना। तो सरकार ने बोला है कि हमें कुछ मतलब 5 लोग चाहिए ये काम करने के लिए, पर सरकार सिर्फ 1 आदमी को वहां लेती है, 5 को नहीं लेती है। तो यही जो रिक्रूटमेंट जो सौरभ बोल रहे थे वो यहाँ पे बात आती है। इंटरनेशनल कंपेरिजन आपकी बात सही है, कुछ हद तक जो है वो काफी स्क्यूड है और एकदम डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता है, पर कुछ में आपको कहीं कुछ एक सेंस समझ आता है कि बाकी देश का है। जैसे डॉक्टर्स, इंडिया में आई थिंक नंबर है 85 डॉक्टर पर लाख लोग, रशिया में वो नंबर 401 है, ब्राजील में वो नंबर 214 है। तो मतलब आप सोच तो आप, आपको ये तो पता है कि कम है, मतलब एकदम बराबर होना है। और ये भी चीजें प्रणय, मैं ये कहूंगा कि पैसे के अलावा दूसरा चीज है शायद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्योंकि इंप्रूव कर रही है, आप बोल सकते हैं कि हर इंसान ज्यादा अभी सक्षम हो जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज एक मॉडर्न, जब हम आज नई अपनी ब्यूरोक्रेसी या जो भी बना रहे हैं तंत्र, तो हम बोल सकते हैं हम शायद कम लोगों से काम चला लें क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके साथ है ना। तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर मैं देखता हूँ एक आप ऐड कर सकते हैं, और वो भी मैं नहीं बोलूंगा कि हमारा कोई टेक्नोलॉजी का यूजेज कोई बहुत ही बढ़िया है हिंदुस्तान में, पर टेक्नोलॉजी एक मल्टीप्लायर आपको मिल सकता है कि बाकी देशों ने बहुत पहले ये नंबर बनाया जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और वो चले आ रहे होंगे उनके यहाँ भी इनर्शिया की वजह से। तो हमको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं, पर शायद किसी भी पैमाने से देखा जाए तो कम है लेकिन। हाँ, और मैंने कुछ स्टडी की थी कि कैसे टैक्स कैपेसिटी जैसे है वो यूएस यूके में इतनी ज्यादा क्यों है और इंडिया में इतनी कम क्यों है, और उसमें कुछ एक चीज जो निकल के आ रही थी वो वर्ल्ड वॉर्स जो हुई थी वहां पे, उस वजह से उन्होंने लोगों को टैक्स करना शुरू किया और लोग भी पैसा देने के लिए राजी थे क्योंकि एक वॉर चल रही थी। तो उसमें मतलब जो स्टेट की जो लेजिटिमेसी का जो एंगल आता है वो सवाल ज्यादा नहीं उठा, पर एक बार जब उन्होंने टैक्स करना शुरू किया उसके बाद उन सरकारों ने वो पैसे को अपने ऊपर स्पेंड किया और कैपेसिटी अपनी बढ़ाई और लोगों को मतलब उनके टैक्स डिविजन्स को उन्होंने अच्छे से स्ट्रक्चर किया ताकि आगे वाले दशकों में आगे वाले सालों में वो उतना ही टैक्स कलेक्ट कर पाए लोगों से और लोगों को सर्विसेज भी दे पाए इन रिटर्न। तो मतलब हेल्थ सर्विसेज आप देखें, रोड्स आप देखें, उन देशों में काफ़ी अच्छी हैं जिनको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स जो होते हैं, तो वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। इंडिया में वो वाली बात नहीं, और मतलब आई थिंक नंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो या इन ऑल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट है उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 50% पोस्ट वेकेंट है। तो अगर आपके पास वो प्रोसेस नहीं है जिससे आप लोगों को रिक्रूट कर पा रहे हैं या जो कुछ भी बाधा आ रही है, आपने अगर फिगर आउट नहीं किया कि कैसे उसको उससे आपको बाहर निकलना है, तो आप हेल्थ एजुकेशन ये वाली जो चीजें हैं लॉन्ग टर्म आप ये इनकी इन चीजों के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। नहीं, और ये टैक्स वाली भी आपने जो बात की वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि
अक्सर हमें लगता है कि टैक्स ज्यादा है भारत में, तो टैक्स का रेट ज्यादा है भारत में, लेकिन जो टोटल टैक्स कलेक्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के भी वो काफी कम है। भारत की जीडीपी के स्तर की बात एक ले दूसरे देशों में कंपेयर करें तो भी कम है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। नहीं बिल्कुल है, मतलब कुछ आई थिंक इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन जीडीपी का कुछ 2-2.5% ही है, कुछ बहुत बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जो बहुत सारे देशों में 4-6% पर पहुंच चुका है। और कुछ हद तक मतलब हम ये सोच सकते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि पहली बात तो लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं, और वो क्यों नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रोड्स बनती हुई नहीं दिखती हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं, और तो ये एक बात हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारे पास सिस्टम्स ही नहीं है वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए किसने दिया किसने नहीं दिया। और जैसा सौरभ बोल रहे थे जो टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर की जो बात कर रहे थे, वो पिछले 5-7 सालों में सिचुएशन बहुत अच्छी हुई है, आधार आया है, पैन कार्ड आया है, और उस वजह से कुछ हद तक मॉनिटरिंग बेटर हुई है, टैक्सेशन रेट्स का में सुधार आया है। पर ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो अभी भी वही नंबर वो है कि इंडिया में एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है 6,500 लोगों के लिए, न्यूजीलैंड में वही नंबर 400 पे चले जाता है, चाइना में वही नंबर 1,000 लोगों के लिए एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। अब जैसा अभी डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है पर कुछ सेंस दिखता है कि जहां पे कुछ एडवांस्ड कंट्रीज में आपके पास टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इतना है कि 400 लोग एक आदमी संभाल रहे हैं, यहाँ पे 6,500 लोगों को एक आदमी संभाल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो है लॉस होगा और हम उतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। टैक्स कलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है स्टेट कैपेसिटी का, जो लोग कई बार उसको डिस्कस करते हैं, और क्योंकि स्टेट कैपेसिटी मेजर करना मुश्किल है और क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो स्टेट की कैपेसिटी में आती हैं, तो टैक्स एक सिंपल थंब रूल हो जाता है कि सरकार कितना टैक्स कलेक्ट कर पा रही है, वो एक अच्छा मेट्रिक बन जाता है। मैटियास ऑटोविक करके हैं जिन्होंने, पर हम मेट्रिक चेस करने के चक्कर में वहां पे भी थोड़ा कभी कभी बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही अस्त्र होता है, डंडा राज। टैक्स दे रहे हो तो डंडा मारो लोगों को, तो जिसको फिर लोग कहते हैं कि टैक्स टेररिज्म और ये सब वाली जो चीजें हैं लोगों के, मैं तो सुनता रहता हूँ, मतलब लोगों के अकाउंट सीज हो गए, पैसा पहले ही निकल गया विदाउट ड्यू प्रोसेस। नहीं सही बात है, और मतलब इसमें ये सब होता है और वो गलत तरीके हैं। सही तरीका है लेजिटिमेसी गेन करना पब्लिक से कि लोग आपको टैक्स देने में राजी हो क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, और इंडिया की आबादी इतनी है और लोग मतलब बहुत सारे लोग टैक्स नेट के बाहर हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स जिन्हें हम बोलते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, पर जितने लोग टैक्स नेट के अंदर हैं कम से कम वो तो आपको अच्छे से दे पाए, पर वो भी चीजें सोचते हैं कि वो कैसे उससे कैसे बाहर निकले उससे, और कुछ हद तक बहुत ज्यादा हद तक इनफैक्ट प्रोसीजर्स का और जो आपने टैक्स टेररिज्म की जो आपने बात की इन सब चीजों का बहुत रोल होता है। तो मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जैसे अगर मैंने एक छोटी सी ट्रैफिक सिग्नल अगर मैंने जंप किया और अगर पुलिस वाले ने मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो मैं क्यों डरता हूँ उसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देने में, और मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि इसलिए डरता हूँ क्योंकि अगर उसने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो वो प्रोसीजर कि मेरे को एक कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां पे 15 फॉर्म भरने पड़ेंगे, शायद किसी को और रिश्वत देनी पड़ेगी और पूरे दिन का काम होगा मेरा एक ड्राइविंग लाइसेंस वापस लेने के लिए, उस वजह से मेरे को लगता है ये लो आप मुझे 100-150 रुपए रखो अभी आप काम खत्म करो अभी। तो यहीं पे ये प्रोसीजर्स वाली बात आती है कि अगर आपने वो स्ट्रीमलाइन कर दिया कि जैसे मैं अगर कि मैं जाके एक विंडो पे मैंने कुछ गलत काम किया है, मैंने ट्रैफिक सिग्नल जंप की है, पर मैं एक विंडो पे जाके जो है आपसे अपने अपना जो भी कुछ है वो भर के और ड्राइविंग लाइसेंस ले लूं, तो शायद मैं खुद ही करप्शन करना कम कर दूं। कई बार जो लॉज होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे कौशिक बासु ने लिखा था करप्शन के बारे में कि आपने दोनों साइड का करप्शन का आपने जुर्माना किया हुआ है, कि जो करप्शन करेगा जो रिश्वत देगा और जो रिश्वत लेगा दोनों को आप जेल में डाल सकते हो, अब दोनों को मत करो कोई भी एक को कर दो, तो अगर जो ले रहा है अगर आप सिर्फ उसको अगर आप जो है अकाउंटेबल रखोगे तो जो दे रहा है वो दो बार सोचेगा क्योंकि जो ले रहा है उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हाँ अगर इसने मेरे बारे में कंप्लेन कर दी तो क्या होगा, पर अभी तो दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ केस लगेगा तो दोनों के पास इंसेंटिव है नहीं बताने का कि करप्शन हो रहा है, और ये वाली चीजें हैं जो चेंज जो ये मतलब एक बड़ी छोटी सी चीज वैसे है पर ये कैपेसिटी को काफी काफी ज्यादा कैपेसिटी में काफी ज्यादा सुधार ला सकती है। नहीं क्योंकि करप्शन ही एक
एक कारण है कि लोग सोचते हैं कि और ज्यादा सरकारी लोग होंगे तो और ज्यादा करप्शन होगा, तो इसीलिए लोग स्टेट कैपेसिटी के भी हित में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ठीक, जो एक वो बेस्ली और पर्सन एक और दो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने तीन चीजें बोली हैं जिस वजह से शायद टैक्स जो है या जिस वजह से कैपेसिटी डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छे से नहीं होती है। पहली चीज तो उन्होंने बोली है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जैसे इंडिया में नंबर्स डिफर करते हैं, आप कौन सा सर्वे लेंगे, PLFS लेंगे कि नीति आयोग के नंबर लेंगे, पर 80-90% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं इंडिया में, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, तो क्या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं क्या उनके पास इतनी पावर है कि वो पॉलिसीज अपने हित में टर्न कर सकें, ना कि कोई जो ना कि कोई वैसा वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर पाए। और तीसरा कंप्लायंस की जो बात आती है, क्या लोगों को सच में वैल्यू दिखती है टैक्स देने में या पैसा देने में, या लोग कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहते हैं कि हम कैसे ये नहीं कर रहे हैं और कैसे ये सिस्टम के बाहर से काम करें। तो ये जो दो तीन चीजें हैं ये बहुत स्ट्रक्चरल चीजें हैं जो कोई भी देश की स्टेट कैपेसिटी और कोई भी देश की टैक्स कलेक्शन, हेल्थ डिलीवरी, एजुकेशन, इनमें डायरेक्ट इफेक्ट लाती है। और मतलब मेरे जैसे लोग जो स्टेट कैपेसिटी को पढ़ना चाहते हैं और जो इस पर ज्यादा काम करते हैं वो यही चीजों के बारे में सोचते हैं कि कैसे इन चीजों को सुधारा जाए और क्या ऐसी चीजें की जाए जो सरकारों को करनी चाहिए जो इन चीजों में एक एक सुधार लाएं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा जैसे हमने डिस्कस की वो शायद इस हद तक नहीं जाती है कि आप कैसे इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में लेके आए। बिल्कुल, लोगों की अपेक्षाएं काफी, और वो जायज भी है कुछ हद तक कि उन्हें जब तक उनका सब कुछ अच्छे से हो रहा है जो उनके हिसाब से अच्छा है वो तब तक उस पॉलिटिशियन को इलेक्ट करेंगे। हाँ, और अगर सरकार कुछ दे ही नहीं रही होगी तो जितना भी मिले, जितने भी टुकड़े मिले उससे हम लोग खुश रह जाते हैं। तो प्रखर, अंत में मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई किताब रेकमेंड करेंगे आप हमारे लिसनर्स को जो वो पढ़ सके स्टेट कैपेसिटी बेहतर समझने के लिए? तो वो एक अरुण शौरी की वो किताब है गवर्नेंस एंड द स्क्लेरोसिस दैट हैज सेट इन, वो आई थिंक 2004 की किताब है, तो वो एक बड़ी अच्छी किताब है जो मैं रेकमेंड करूंगा। इंडिया में मतलब अरुण शौरी ने बड़े अच्छे से लिखा है कैसे कुछ इश्यूज आते हैं और कैसे उनमें सुधार आया जाए। और मतलब कंसेप्चुअली फ्रांसिस फुकुयामा जो है उन्होंने कई एक किताब लिखी है स्टेट बिल्डिंग, उनका एक पेपर भी है व्हाट इज गवर्नेंस, जो ये जो दो तीन चीजें हैं ये अच्छी, ये बहुत अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं स्टेट कैपेसिटी के बारे में सोचने के लिए। और अगर आप, अगर जो भी सॉर्ट ऑफ श्रोता सुन रहे हैं वो मुझे अगर आप लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिखें और मैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत खुश होऊंगा। ठीक है प्रखर, बहुत बहुत शुक्रिया आने का पुलियाबाजी पे और स्टेट कैपेसिटी पे के ऊपर हमें समझाने के लिए। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सौरभ। तो प्रणय, ये डिस्कशन तो बहुत ही रोचक था प्रखर के साथ, तो तुम्हारे क्या बढ़िया टेक अवे हैं इस स्टेट कैपेसिटी को लेकर? हाँ, तो सौरभ एक चीज जो मैंने सीखी थी इस सब डिस्कशन से कि स्टेट कैपेसिटी से आपकी पब्लिक पॉलिसी के जो विकल्प है आपके पास वो बदल जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास कम स्टेट कैपेसिटी होगी तो आपके पास जो विकल्प है वो कम हो जाते हैं, और ज्यादा स्टेट कैपेसिटी होगी तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी हमको दिख ही रहा है लोग बोल रहे हैं स्टिमुलस देना है वगैरह, अब US में वो लोग स्टिमुलस मंडे को देते हैं और शुक्रवार को कंपनियों के अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं। हाँ। तो वो एक स्टेट कैपेसिटी है जो उन्होंने ओवर व्हाटएवर 50-100 साल बनाई है। हिंदुस्तान में हम बोले कि हम भी सेम ही चीज करें तो नहीं कर सकते हमें, शायद और शायद हमारे यहाँ जरूरतें भी दूसरी है, हमको इंश्योर करना है कि लोगों के पास खाना पहुंचे वगैरह पहले। हाँ बिल्कुल, इसको एक्चुअली टर्म भी है स्टेट कैपेसिटी लिटरेचर में, इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक मिमिक्री। अच्छा, मतलब कि अगर हम विदेशों के या दूसरी जगह जहाँ पे स्टेट कैपेसिटी ज्यादा है वहां के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन सीधे सीधे इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया में। आपने सुना होगा लोग अक्सर कहते हैं अरे वो बोगोटा में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, तो वो इंडिया में भी हो सकता है, पर लोग ये नहीं सोचते कि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो काम करती है, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसा है जैसा है। तो
हमें वो सब में भी स्टेट कैपेसिटी बढ़ानी है, तब हम लोग वहां के प्रॉब्लम और वहां के सोल्यूशन वैसे के वैसे कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मेरे को जो एक चीज समझ में आई, ये जो एक स्विच और नॉब की हमारी होती है एनालॉजी, राइट, कि भाई हम किसी हिंदुस्तान में हम अक्सर एक, और ये शायद कम कैपेसिटी का नतीजा है, क्योंकि कम कैपेसिटी में आपको एक स्विच टाइप की चीजें करना आसान लगता है, क्योंकि उसके लिए कैपेसिटी कम, जैसे जैसे होता है आपको चोर को पकड़ना है तो नाकाबंदी कर दो, ठीक है, सबको पकड़ लो बेसिकली, उसके बाद हम एक एक करके छानेंगे लोगों को, और जो लोग इनोसेंट है उनको निकालेंगे उसमें। हाँ, नहीं अभी जैसे चल रहा है वो स्विच वाला ही है ना, कि लोग बोल रहे हैं सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद कर दो, तो वो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए ये नुआंस करना, कि जैसे अभी लोग बोल रहे हैं सिंगापुर में भी लॉकडाउन हो गया है, देखो हिंदुस्तान में भी है सिंगापुर में भी है, पर सिंगापुर के लॉकडाउन में लोग जा करके खुद से होम डिलीवरी लेके आ रहे हैं, ठीक है, मॉल्स भी खुले हैं, हाँ, क्योंकि वो लेकिन रेगुलेट कर पा रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में हम लोगों को पास में कैपेसिटी नहीं है कि अगर हमने खोल लिया तो क्या लोग टाइम पास के लिए भी चले जाएंगे, और उनको हम क्या रोक सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में शायद वो टूल्स नहीं है, और हमारी पुलिस को भी नहीं आता, उनको आता है कि आए सामने तो डंडा मार दो। एक तो पुलिस को क्वालिटेटिवली नहीं आता पुलिस को, और क्वांटिटी भी नहीं है पुलिस की इतनी कि वो, हाँ, बहुत ही कम पुलिस है हमारे पास। तो जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे ज्यादा रेगुलेटर जैसी चीजें करें कि जिसमें आप एक नॉब लगा सकें, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, कि भाई जिसमें आप एक नंबर पे चला लो, दो पे चला लो, कि ऑफ कर लो। तो ये वाली जो चीज है ये हमको चाहिए कि भाई आप केसेस मॉनिटर करते रहो, और वार्ड लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल जितनी भी, तो मेरे को लगता है हमारे पास कम कैपेसिटी है तो हम ज्यादा स्थूल हो सकते हैं, आप ज्यादा बड़े लेवल पे कर लो, लेकिन कम से कम हमको अब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कंट्री लेवल स्विच तो नहीं लगाना चाहिए, है ना, एट अ मिनिमम हम बोल सकते हैं स्टेट लेवल कर दो, लेकिन हम स्टेट से जो अच्छी स्टेट्स हैं वो कह सकती है चलो मैं डिस्ट्रिक्ट पे करूंगा, क्योंकि हर स्टेट की उतनी कैपेसिटी नहीं है, मुझे अभी यूपी और बिहार की स्टेट कैपेसिटी और कर्नाटका की स्टेट कैपेसिटी में फर्क है ना, तो हो सकता है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज कर सकता है, क्या तालुक लेवल पे भी कर सकता है, लेकिन बिहार में शायद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर पाएगा, तालुक पे नहीं कर पाएगा, या कहेगा मैं स्टेट लेवल पे करूंगा, मेरे से नहीं होता डिस्ट्रिक्ट। तो ये मुझे लगता है एटलीस्ट हमको इस तरह से सोचना तो चाहिए, और कुछ चीजें कैपेसिटी भी बनेगी जब हम ट्राई करेंगे ना चीजें। हाँ बिल्कुल, शायद ये एक ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं कि ये ट्राई करें और इससे सीखे कि हम लोगों को कैपेसिटी बनाने की जरूरत भी है। हाँ, जैसे कभी कभी भाई मतलब जान पे आती है तो आदमी तैरना सीखता है ना। बिल्कुल। और एक और सौरभ मुझे बात समझ में आई इन सब से, एक कॉन्सेप्ट होता है प्री मेच्योर लोड बेयरिंग, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं या एक ब्रिज बना रहे हैं, और अगर सीमेंट सेट होने से पहले ही अगर उस पर ट्रैफिक चला दिया जाए तो ब्रिज तो गिर ही जाएगा ना, वैसे ही स्टेट कैपेसिटी में भी है। हम लोगों की सरकार एक तो बहुत सारी चीजें कर रही है इससे पहले कि वो इसके लिए तैयार हो पाए, तो उसका नतीजा यह है कि हमारी हर चीज चरमरा जाती है क्योंकि हम लोगों ने उतनी कैपेसिटी नहीं है अभी तक। तो हम लोग एक प्री मेच्योर, इसीलिए हम लोग को ये बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम लोग सरकार के लिस्ट में एक और चीज ऐड करते जाते हैं, जैसे ठीक है अभी क्लाइमेट चेंज भी करना है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लाने हैं, तो इतनी सारी चीजें उनमें भी सरकार को एग्जैक्टली क्या करना है वो हमें सोचना चाहिए। अगर सरकार को हम लोग लिस्ट उनकी फेहरिस्त में 200 और चीजें डाल देंगे तो सरकार कैसे मैनेज कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक प्रणय, ये तो काफी आप इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जब कैपेसिटी कम है तो फिर कम चीजें करो ना। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, ये मेरे ख्याल से अच्छा डिस्कशन था और हमारे अच्छे कंक्लूजन से, उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को भी पसंद आए होंगे, और आपको कुछ आइडियाज आते हैं और आपको कुछ लगता है कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज ट्विटर पे या अलग अलग साधनों से हमारे से संपर्क कीजिए, और जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्टेट कैपेसिटी का क्या परिणाम होता है, और स्टेट कैपेसिटी की वजह से हमारे ऑप्शंस कैसे चेंज हो रहे हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए।
और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hi, I'm Sariyu Natarajan. And I'm Alok Prasanna Kumar. And we are the hosts of the Ganatantra podcast. On this podcast, we speak to academics, social scientists, journalists and activists to find out what's actually going on in Indian politics. On this podcast, we stay away from personality politics, intrigue and gossip and instead focus on the data, research and analysis that drives all this. So tune in to the Ganatantra podcast, where new episodes are out every Wednesday on the IVM podcast app, website, or wherever you listen to your podcasts. Hey everybody, we have a brand new podcast series by Bloomberg Quint called BQ Conversations, which covers a range of topics like business strategies, latest trends in technology such as cybersecurity and artificial intelligence, and also personal finance. Episodes are out on the IVM Podcast app or wherever you listen to podcasts.